हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम बात करेंगे परीक्षा धाम पब्लिकेशन की मध्य प्रदेश जीके से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की पुस्तक से। मध्य प्रदेश में जिलों से संबंधित जानकारी से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। दोस्तों, इस चैप्टर में कुल 166 प्रश्न हैं जिनको हम तीन भागों में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न क्रमांक एक से। मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं मध्य प्रदेश का पन्ना जिला हीरा खनिज के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, पन्ना मध्य प्रदेश के सागर संभाग में स्थित है। यहाँ बहुमूल्य खनिज हीरा प्राप्त होता है। हिनौता, मझगवां और रामखेरिया पन्ना जिले में स्थित प्रमुख हीरे की खदान है। यहाँ हीरा उत्पादन का कार्य नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा किया जा रहा है। प्रश्न क्रमांक दो, मध्य प्रदेश में गिद्ध जिला कौन सा कहलाता है। तो दोस्तों, पन्ना जिले को हम गिद्ध जिला के नाम से जानते हैं। अब हम चर्चा करते हैं पन्ना के उपनाम के बारे में। दोस्तों, पन्ना को हीरा नगरी, गिद्ध जिला और आंवला जिला कहते हैं। दोस्तों, गिद्ध रिपोर्ट 2021, पन्ना जिले में सर्वाधिक गिद्धों की संख्या पाई गई। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गिद्धों की संख्या पन्ना जिले में है और वह संख्या है 981। प्रश्न क्रमांक तीन, प्राणनाथ का मेला किस जिले में आयोजित होता है। तो दोस्तों, प्राणनाथ का मेला मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में आयोजित किया जाता है। अब हम चर्चा करते हैं पन्ना जिले के प्रमुख मेलों की, जिसमें शामिल है प्राणनाथ का मेला, बलदेव का मेला, शरद समैया का मेला आदि। प्रश्न क्रमांक चार, गंगेव अभयारण्य पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, गंगेव अभयारण्य पन्ना जिले में स्थित है। दोस्तों, अभी लगातार पन्ना जिले से संबंधित प्रश्न हमारे इस अध्याय में आ रहे हैं। अब हम चर्चा करते हैं पन्ना जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों की। तो दोस्तों, गंगेव अभयारण्य, केन घड़ियाल अभयारण्य, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, अजयगढ़ का किला। इसके अलावा हम देखेंगे पन्ना के प्रसिद्ध मंदिरों को, जिसमें शामिल है बलदेव मंदिर, नचना कुठार का पार्वती मंदिर, दधीची मंदिर, प्राणनाथ मंदिर, पद्मावती मंदिर आदि प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पन्ना जिले में स्थित हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारे वीडियोस से आपके एग्जाम की तैयारी में लाभ होता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे इन वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। अभी हम मध्य प्रदेश जीके के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, हम पहले ही 16 वीडियो के माध्यम से परीक्षा धाम पब्लिकेशन की मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन की संपूर्ण बुक को कंप्लीट कर चुके हैं। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर उस बुक को भी पढ़ सकते हैं। प्रश्न क्रमांक पाँच, कैलाश सत्यार्थी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था। तो दोस्तों, कैलाश सत्यार्थी जी मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से संबंधित थे, ऑप्शन नंबर डी। अब हम चर्चा करते हैं विदिशा जिले की। दोस्तों, नोबल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी का जन्म विदिशा में हुआ। विदिशा का पुराना नाम भद्रावती, भेलसा या वेशनगर था। दोस्तों, विदिशा को पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी बनाया। सम्राट अशोक की पत्नी महादेवी विदिशा की रहने वाली थी। दोस्तों, विदिशा में भागवत धर्म से संबंधित होलियोडोरस का प्रसिद्ध गरुड़ स्तंभ है। प्रश्न क्रमांक छः, दोस्तों हेलियोडोरस स्तंभ कुरवाई हिंडोला, अठखंबा बाज, उदयगिरी की गुफाएं किस जिले के पर्यटन केंद्र हैं। तो दोस्तों, यह सभी विदिशा जिले के पर्यटन केंद्र हैं। दोस्तों, विदिशा जिले के पर्यटन केंद्रों की यदि हम बात करें तो इसमें हेलियोडोरस स्तंभ, कुरवाई हिंडोला, अठखंबा बाज, उदयगिरी की गुफाएं, हलाली बांध और ग्यारसपुर मंदिर प्रमुख है। प्रश्न क्रमांक सात, विदिशा जिले का नामकरण किसने किया। तो दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा विदिशा जिले का नामकरण किया गया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। प्रश्न क्रमांक आठ, 30 सितंबर 2021 को मध्य प्रदेश के किस जिले को चिन्नौर चावल के लिए भौगोलिक संकेतक प्राप्त हुआ। दोस्तों, हम सभी जानते हैं यह तथ्य या यह समाचार काफी दिनों तक ट्रेंडिंग में था, ऑप्शन नंबर बी, बालाघाट जिले के हिसार
चिन्नौर चावल को 2021 30 सितंबर में भौगोलिक संकेतक अर्थात ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, जिसको हम आम भाषा में GI टैग कहते हैं, प्राप्त हुआ। अब हम देखेंगे बालाघाट जिले को। दोस्तों 30 सितंबर 2021 को मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले को चिन्नौर चावल के लिए GI टैग प्राप्त हुआ। दोस्तों कृषि क्षेत्र में मध्य प्रदेश को मिलने वाला यह पहला भौगोलिक संकेतक है। प्रश्न क्रमांक 9। दोस्तों 2011 जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है, जो कि है 1021 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। अब हम चर्चा करते हैं बालाघाट जिले की। दोस्तों बालाघाट मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है, जिसका लिंगानुपात 1021 है। बालाघाट जिले को लैंड ऑफ सारस भी कहा जाता है और यह वेनगंगा नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई बालाघाट जिले में होती है मध्य प्रदेश के अंदर। तो दोस्तों यहां से प्रश्न बन सकता है कि मध्य प्रदेश का वह कौन सा जिला है जिसमें सर्वाधिक तालाबों से सिंचाई होती है? तो आपको आंसर करना होगा बालाघाट। मध्य प्रदेश की सबसे पहली नहर वेनगंगा नहर बालाघाट में स्थित है। वेनगंगा नदी पर धूती बांध स्थित है। तो दोस्तों यहां से दो प्रश्न बन सकते हैं, धूती बांध कहाँ स्थित है और धूती बांध किस नदी पर स्थित है? तो आपको वेनगंगा नदी पर टिक करना होगा। किरनापुर औद्योगिक विकास क्षेत्र बालाघाट में ही स्थित है। तो दोस्तों इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने काफी डिटेल में बालाघाट को डिस्कस किया। दोस्तों यदि आप और भी डिटेल में अध्ययन करना चाहते हैं तो हमने ऑलरेडी 16 वीडियोस के माध्यम से संपूर्ण मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, जो कि परीक्षा धाम पब्लिकेशन की बुक का है, ऑलरेडी हमने उसको वीडियोस के माध्यम से अपने इस YouTube चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप चाहें तो उन वीडियोस को देख सकते हैं। उन वीडियोस को देखने के बाद आप हमारा यदि यह लेक्चर देखते हैं तो आप आसानी से काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 10 पर। दोस्तों निम्नलिखित स्थानों में तांबा कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों तांबा ऑप्शन नंबर डी मलाजखंड बालाघाट जिले में पाया जाता है। अब हम चर्चा करते हैं बालाघाट में खनिज की। दोस्तों मलाजखंड ताम्र अयस्क के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है व यहाँ HCL अर्थात हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कार्यरत है। भरवेली में एशिया की सबसे बड़ी भूमिगत मैंगनीज की खान स्थित है। प्रश्न क्रमांक 11। मध्य प्रदेश में मैंगनीज का सबसे बड़ा स्रोत कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी मैंगनीज का सबसे बड़ा स्रोत बालाघाट में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 12। पर्यटन स्थल गंगुलधारा, लांजी का किला और रामपायली मेला स्थल किस जिले में है? तो दोस्तों यह सब बालाघाट जिले में स्थित है। अब हम चर्चा करते हैं बालाघाट जिले की। दोस्तों बालाघाट में रामपायली का मेला चंदन नदी के किनारे लगता है। यदि प्रश्न यह भी उठता है कि चंदन नदी किस जिले में है, तब आपको आंसर करना है बालाघाट। रामपायली का मेला किस नदी के किनारे लगता है, तब आपको आंसर करना है चंदन नदी। और रामपायली का मेला किस जिले में लगता है, तब भी आपको आंसर करना है बालाघाट। दोस्तों बालाघाट के प्रमुख पर्यटन स्थल में लांजी का किला, गंगुलपारा जलप्रपात आता है। प्रश्न क्रमांक 13। दोस्तों महामाया मंदिर, लंजकाई मंदिर, ब्रह्माचार्य मंदिर, कोटेश्वर महादेव मंदिर, बहर जोड़ा मंदिर, मैथोडिस्ट एपिस्टोजल चर्च मध्य प्रदेश के किस जिले के धार्मिक और आध्यात्मिक स्थल हैं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यह सभी जो कि मैंने इस प्रश्न में पढ़े हैं काफी सारे थे, आप फिर से पढ़ लेना, बालाघाट जिले में स्थित है। बालाघाट जिले के धार्मिक स्थल और आध्यात्मिक स्थल की यदि हम बात करें तो यहाँ पर महामाया मंदिर, लंजकाई मंदिर, ब्रह्माचार्य मंदिर, कोटेश्वर महादेव मंदिर, बहर जोड़ा मंदिर, मैथोडिस्ट एपिस्को जल चर्च मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के धार्मिक और आध्यात्मिक स्थल हैं। तो दोस्तों इनमें से किसी भी तथ्य को लेकर पूछा जा सकता है कि यह पर्टिकुलर मंदिर या आध्यात्मिक स्थल किस जिले में स्थित है, तो आपको उस जिले के हिसाब से ऑप्शन को टिक करना होगा। प्रश्न क्रमांक 14। औद्योगिक केंद्र बानमौर मध्य प्रदेश के किस जिले में है? दोस्तों बानमौर बहुत प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए बानमौर मुरैना जिले में स्थित है और यह कथा के लिए प्रसिद्ध है।
दोस्तों मुरैना के बांधमोर औद्योगिक केंद्र में वर्ष 1922-23 में राज्य की पहली सीमेंट फैक्ट्री एसीसी द्वारा स्थापित की गई। तो दोस्तों यदि प्रश्न आता है कि राज्य की पहली सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की गई थी, तब भी आपको आंसर करना होगा बांधमोर मुरैना में। दोस्तों कत्था बनाने का कारखाना भी बांधमोर मुरैना में स्थित है। मुरैना के पोरसा गांव में नागा जी का मेला आयोजित होता है। दोस्तों मुरैना में चंबल देवरी घड़ियाल संरक्षण केंद्र भी स्थित है। तो दोस्तों यह सभी बातें थी मुरैना के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से आपकी बहुत सहायता करेंगी। प्रश्न क्रमांक 15, मध्य प्रदेश का अग्रणी दूध उत्पादक जिला कौन सा है? तो दोस्तों मुरैना जिले में मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादित होता है। मुरैना जिले का प्राचीन नाम दोस्तों मयूरवन था। मुरैना में सरसों एवं दुग्ध उत्पादन काफ़ी मात्रा में होता है, इसलिए हम इनको सरसों एवं दुग्ध उत्पादक जिला भी कहते हैं। दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी कला केंद्र मुरैना में स्थापित किया गया है। प्रश्न यहाँ से भी आ सकता है कि अटल बिहारी वाजपेयी कला केंद्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तब आपको मुरैना आंसर करना होगा। प्रश्न क्रमांक 16, मयूरवन किस जिले का पुराना नाम है? हम पहले देख चुके हैं मयूरवन मुरैना जिले का पुराना नाम है, ऑप्शन नंबर सी प्रश्न क्रमांक 16 का सही जवाब है। दोस्तों मध्य प्रदेश के किस जिले में मृदा अपरदन अर्थात मिट्टी के कटाव की समस्या है? तो दोस्तों उत्तरी मध्य प्रदेश में यह समस्या पाई जाती है। इन चार विकल्पों में से ऑप्शन सी एकमात्र ऐसा जिला है जो नॉर्दर्न एमपी में पड़ता है, ऑप्शन नंबर सी मुरैना इस प्रश्न का सही जवाब है। दोस्तों चंबल नदी के द्वारा अवनालिका अपरदन से मुरैना सर्वाधिक प्रभावित जिला है, जिसके कारण चंबल के बीहड़ों का निर्माण होता है। चंबल में बटागुर, कटहवा व चित्रा इंडिका कछुओं की प्रजातियों का संरक्षण हो रहा है। प्रश्न क्रमांक 18, मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों इनमें हमें सही कथन का चयन करना है। यह कच्छपघात राजवंश के शासनकाल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। दोस्तों यह कथन बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना है। दोस्तों यह कथन गलत है। इसका डिजाइन भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। दोस्तों तीसरा कथन भी सही है। तो प्रश्न क्रमांक 18 में कथन एक एवं कथन तीन दोनों सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी एक और तीन इस प्रश्न का सही जवाब है। अब हम चर्चा करते हैं 64 योगिनी मंदिर मुरैना की। दोस्तों यह कच्छपघात राजवंश के शासनकाल में निर्मित वृत्ताकार मंदिर है। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में शैव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना है। इसका डिजाइन भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है, क्योंकि दोस्तों यह भी वृत्ताकार रूप में निर्मित किया गया था। अब हम चर्चा करते हैं प्रश्न क्रमांक 19 की। गोल्डन ट्रायंगल मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों गोल्डन ट्रायंगल मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित है। अब हम चर्चा करते हैं गोल्डन ट्रायंगल मंदिर के बारे में। दोस्तों मुरैना में गोल्डन ट्रायंगल मंदिर के अंतर्गत पदावली, मितावली, बटेश्वर मंदिर का समूह है। दोस्तों देश का पहला शहीद मंदिर राम प्रसाद बिस्मिल की स्मृति में मुरैना के बरवाई ग्राम में स्थापित किया गया था। प्रश्न क्रमांक 20, जल विहारी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों जल विहारी का मेला मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में आयोजित किया जाता है। दोस्तों छतरपुर शहर की स्थापना 1785 में बुंदेला राजा छत्रसाल ने की। छतरपुर जिले की प्रसिद्धि खजुराहो में चंदेल वंश के द्वारा निर्मित मंदिरों के कारण है। प्रश्न क्रमांक 21, खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों यह छतरपुर जिले में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी प्रश्न क्रमांक 21 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 22, दोस्तों राजगढ़ किला, खटोला किला, मनियागढ़ किला, राजनगर किला, अकटोहन किला, धुआंधार किला मध्य प्रदेश के किस जिले के ऐतिहासिक धरोहर स्थल हैं? तो दोस्तों यह स्थल मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में ऐतिहासिक रूप से विद्यमान है। दोस्तों राजगढ़ किला, खटोला किला, मनियागढ़ किला, राजनगर किला, अकटोहन किला, धुआंधार किला मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की ऐतिहासिक धरोहर स्थल हैं।
प्रश्न क्रमांक 23, मध्य प्रदेश के किस जिले को प्राचीन काल में अवंती के नाम से जाना जाता था। दोस्तों यह बात भी बच्चा बच्चा जानता है कि मध्य प्रदेश में अवंती हम प्राचीन काल में उज्जैन को जानते थे। दोस्तों प्राचीन काल में उज्जैन अवंती महाजनपद की राजधानी थी। उज्जैन को राजा विक्रमादित्य ने अपनी राजधानी बनाया था। उज्जैन शहर क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन के भैरवगढ़ प्रिंट प्रसिद्ध हैं। दोस्तों यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि भैरवगढ़ प्रिंट का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है, तब आपको आंसर करना होगा कि भैरवगढ़ प्रिंट का संबंध मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले से। दोस्तों यहाँ पर एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर स्थित है। प्रश्न क्रमांक 24, मध्य प्रदेश के किस जिले में विक्रमादित्य की राजधानी स्थित थी। दोस्तों हमने पहले डिस्क्रिप्शन में ही पढ़ लिया है ऑप्शन नंबर ए, उज्जैन जिले में विक्रमादित्य की राजधानी स्थित थी। प्रश्न क्रमांक 25, मध्य प्रदेश के किस जिले में कालिया देह पैलेस, संदीपनी आश्रम, मंगलनाथ मंदिर, वैश्य टेकरी और गोपाल मंदिर स्थित है। दोस्तों यह सभी दार्शनिक स्थल बहुत प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन नंबर सी है, उज्जैन में स्थित है। अब हम चर्चा करते हैं उज्जैन के पर्यटक स्थलों की। दोस्तों यदि मैं एक फैक्ट को बार बार पढ़ता हूँ तब आपके लिए उसको अपने दिमाग में रखने में सहूलियत होगी, तो ध्यान से आप बार बार तथ्यों को सुने। दोस्तों मध्य प्रदेश के उज्जैन में पर्यटन स्थल कालिया देह पैलेस, गढ़काली का मंदिर, जंतर मंतर, भरथरी की गुफाएं, संदीपनी आश्रम, काल भैरव मंदिर, मंगलनाथ मंदिर, वैश्य टेकरी मंदिर, गोपाल मंदिर और हर सिद्धि माता का मंदिर स्थित है। प्रश्न क्रमांक 26, दोस्तों संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना महर्षि पाणिनि के नाम पर उज्जैन जिले में की गई थी। दोस्तों इसे महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय कहते हैं और यह विश्वविद्यालय उज्जैन जिले में स्थित है और इसको 2008 में स्थापित किया गया था। तो दोस्तों यदि हम एक प्रश्न को पढ़ते हैं उसका आंसर जानते हैं, उसके बाद यदि हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स को पढ़ते हैं और यदि आप उसको ध्यान से सुनते हैं तो एक प्रश्न में ही आपके 2 से लेकर 10-15 क्वेश्चन तक तैयार हो जाते हैं। क्योंकि हम यह चीज़ देख रहे हैं कि हर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमें काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखने को मिलते हैं, तो आप प्रश्न के साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी ध्यान से सुने, जिससे कि बार बार आप तथ्यों को दोहराएंगे तो आपको उनको याद रखने में बहुत आसानी होगी। आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपने कब इतने सारे फैक्ट्स याद कर लिए। आप डायरेक्ट अपने मुंह से ना बोल पाएं लेकिन आप प्रश्न को देखकर उसका आंसर टिक कर पाएंगे। चलिए प्रश्न क्रमांक 27 पर अब हम आते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में भगवान श्री कृष्ण के गुरु संदीपनी की 64 कलाओं तथा 14 विचारों की चित्रांकन दीर्घा स्थित है। अभी हमने देखा संदीपनी आश्रम उज्जैन में, तो यह सभी चीज़ें भी उज्जैन में ही स्थित होंगी। दोस्तों उज्जैन को हम महाकाल की नगरी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है जो कि एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। हमें इतनी सारी चीज़ें याद रखनी है, हम इनको बार बार पढ़ेंगे तो एग्जाम में हमें काफ़ी सहायता होने वाली है। चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में संदीपनी आश्रम में साक्षात्कार चित्रांकन दीर्घा स्थित है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के गुरु संदीपनी की 64 कलाओं तथा 14 विचारों की चित्रांकन दीर्घा स्थित है। प्रश्न क्रमांक 28, मध्य प्रदेश के किस जिले को निवाड़ का पेरिस हम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, बड़वानी को हम निवाड़ का पेरिस कहते हैं। अब हम चर्चा करते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बड़वानी की। दोस्तों आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 तथ्य आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक साथ देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन को बहुत ही ध्यान से सुने। यदि आपने पिछले वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ध्यान से नहीं सुना तो आप वो सारे वीडियोस फिर से देखें। तो दोस्तों बड़वानी को हम निमाड़ का पेरिस कहते हैं। बड़वानी का पुराना नाम बड़नगर या सिद्धनगर था। बड़वानी के सैंधवा से भीमा नायक ने अंग्रेजों का विद्रोह किया था। बड़वानी 52 गजा में आदिनाथ, जो जैन धर्म से संबंधित है, की 72 फीट ऊंची मूर्ति है। दोस्तों आदिनाथ जी जैनों के प्रथम तीर्थंकर थे। यहां से भी प्रश्न आ सकता है। मध्य प्रदेश की बड़वानी हिल्स, अखरानी हिल्स और चूड़गिरी हिल्स बड़वानी जिले में स्थित है। दोस्तों मध्य प्रदेश की चूड़गिरी 1215 मीटर ऊंची चोटी है जो कि बड़वानी जिले में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 29,
बावन गजा कहाँ स्थित है दोस्तों, हमने अभी देखा 52 गजा मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में स्थित है, और यहाँ पर जैन धर्म के पहले तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की 72 फीट ऊंची मूर्ति है। और दोस्तों आदिनाथ भगवान को ही हम बड़े बाबा जी के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न क्रमांक 30 की यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश की विज्ञान पुरुष का जन्म किस जिले में हुआ था, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश के विज्ञान पुरुष का जन्म बड़वानी जिले में हुआ था, और वह विज्ञान पुरुष हैं अनिल काकोडकर जी। दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश के विज्ञान पुरुष का जिनका जन्म बड़वानी जिले में हुआ, उनका नाम है अनिल काकोडकर। ये अणु वैज्ञानिक थे, इन्हें हम मध्य प्रदेश का विज्ञान पुरुष कहते हैं। तो दोस्तों आप भी किसी फील्ड में अपना विशेष योगदान दें और आप भी इस प्रकार से प्रसिद्ध उपनामों से जाने जाएं, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो तैयार हो जाएं। प्रश्न क्रमांक 31 के लिए, मध्य प्रदेश में सिंगरौली जिले का गठन कब किया गया था, तो दोस्तों मध्य प्रदेश में सिंगरौली जिले का गठन 24 मई वर्ष 2008 को किया गया था। दोस्तों सिंगरौली का गठन सीधी से अलग करके 24 मई 2008 को किया गया। ऐतिहासिक बौद्धकालीन मारा की गुफाएं सिंगरौली में स्थित हैं। भारत की मानक रेखा सिंगरौली से होकर गुजरती है। सिंगरौली का जिला मुख्यालय बैडन है। दोस्तों सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 32, मध्य प्रदेश के किस जिले से मानक समय रेखा गुजरती है, तो मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से मानक समय रेखा गुजरती है। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किस जिले को कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी, सिंगरौली जिले को हम मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 34, जल जलैया सीमाकूट चितरंगी गढ़ी मंदिर नवगर नगर माड़ा गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जिले के धार्मिक एवं आध्यात्मिक स्थल हैं, तो ऑप्शन नंबर बी, जल जलैया सीमाकुटी चितरंगी गढ़ी मंदिर नवनगर माडा गुफाएं मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से संबंधित है। दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स की यदि हम बात करें तो हम तीसरी बार इन तथ्यों को रिपीट करेंगे। अब आपको यह तथ्य अच्छे से ध्यान में रखना है, जल जलैया सीमाकुटी चितरंगी गढ़ी मंदिर नवनगर माडा गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जिले में है, दोस्तों सिंगरौली जिले में है, और यह सभी क्षेत्र सिंगरौली के धार्मिक एवं आध्यात्मिक स्थल हैं। प्रश्न क्रमांक 35, मध्य प्रदेश में आदमगढ़ की गुफाएं किस जिले में स्थित हैं, दोस्तों यह गुफाएं बहुत प्रसिद्ध हैं, हम सब जानते हैं आदमगढ़ की गुफाएं मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित हैं। अब हम चर्चा करते हैं होशंगाबाद जिले के बारे में विस्तार से। दोस्तों मध्य पाषाण कालीन स्थल आदमगढ़ होशंगाबाद जिले में स्थित है, और हमें यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यदि प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश के किस स्थल से हमें पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तब आपको आंसर करना होगा आदमगढ़ से। दोस्तों होशंगाबाद ने, दोस्तों होशंग शाह ने नर्मदापुरम का नाम बदलकर होशंगाबाद कर दिया था। होशंगाबाद जिले में माखनलाल चतुर्वेदी हरिशंकर परसाई और भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म हुआ। होशंगाबाद जिले के हथनौरा से मानव जीवाश्म ऑस्ट्रेलोपिथेकस के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। होशंगाबाद के अगर गांव में टंगस्टन खनिज मिलता है। तो दोस्तों इन सभी पॉइंटों की दृष्टि से यदि हम देखें तो होशंगाबाद से संबंधित तथ्य हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आपको बहुत ध्यान से इनको पढ़ना है और याद करने का पूरा प्रयास करना है। प्रश्न क्रमांक 36, भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ, ऑप्शन नंबर डी होशंगाबाद। किस जिले में मध्य प्रदेश के टंगस्टन की प्राप्ति होती है, ऑप्शन नंबर सी होशंगाबाद। दोस्तों सेठानी घाट कमली शाह बाबा की दरगाह है, फ्रेंड्स सरल सेंटर और सेंट जॉर्ज चर्च किस जिले के पर्यटन स्थल हैं, ऑप्शन नंबर सी, यह सभी क्षेत्र होशंगाबाद में है। हम एक बार फिर से देखते हैं होशंगाबाद जिले के पर्यटन स्थल, जिससे आपको सारी चीज़ें अच्छे से याद हो जाएं। दोस्तों सेठानी घाट कमली शाह बाबा की दरगाह है, फ्रेंड्स सरल सेंटर सेंट जॉर्ज चर्च मड़ई अभ्यारण्य पचमढ़ी हिल स्टेशन और आदमगढ़ होशंगाबाद जिले के पर्यटन स्थल।
प्रश्न क्रमांक 39, राजा रमन्ना प्रौद्योगिकी केंद्र किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर डी, यह केंद्र इंदौर जिले में स्थित है। दोस्तों यहाँ अर्थात इंदौर में राजा रमन्ना रेजर अनुसंधान केंद्र वर्ष 1984 में स्थापित किया गया। इंदौर शहर खान एवं सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में है और 2020 में सामान की होम डिलीवरी करने वाला यह पहला एयरपोर्ट बना। दोस्तों 23 वर्षीय इंदौर की गोताखोर या डाइविंग पलक शर्मा को वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रश्न क्रमांक 40 पर अब हम आते हैं। मध्य प्रदेश के किस शहर के दही कबाब, गुलर कबाब एवं शाही कबाब तथा पोहा जलेबी प्रमुख व्यंजन है? तो दोस्तों यह सारी चीज़ें इंदौर में प्रसिद्ध हैं। अब हम चर्चा करते हैं इंदौर की। दोस्तों मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के दही कबाब, गुलर कबाब, शाही शिकंजी और पोहा जलेबी प्रमुख व्यंजन है। प्रश्न क्रमांक 41, मध्य प्रदेश में जोगी भड़क झरना ट्रैक, कजलीगढ़ झरना, काला कुंड, मेहंदी कुंड, बामनिया कुंड, नखेरी बांध किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों यह सभी स्थल मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित हैं। अब हम चर्चा करते हैं इंदौर के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में। दोस्तों मध्य प्रदेश में पाताल पानी, मेघदूत गार्डन, यशवंत सागर, जोगी भड़क झरना ट्रैक, कजलीगढ़ झरना, काला कुंड, मेहंदी कुंड, बामनिया कुंड, नखेरी बांध इंदौर जिले में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 42, कांच मंदिर, हरसिद्धि मंदिर, खजराना गणेश मंदिर, गीता भवन, बीजासेन टेकरी मध्य प्रदेश के किस जिले के धार्मिक स्थल हैं? ऑप्शन नंबर बी, यह सभी स्थल इंदौर के धार्मिक स्थल हैं। दोस्तों इंदौर के प्रमुख धार्मिक स्थलों में यदि हम बात करें तो कांच मंदिर, बड़ा गणेश मंदिर, हरसिद्धि मंदिर, खजराना गणेश मंदिर, गीता भवन, बीजासेन टेकरी मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के धार्मिक स्थल हैं। प्रश्न क्रमांक 43, मणिक बाग महल, लाल बाग महल, नररत्न मंदिर, राजवाड़ा, ऐतिहासिक धरोहर मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है या किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, यह सभी ऐतिहासिक धरोहर स्थल मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित है। अब हम चर्चा करते हैं इंदौर के प्रमुख ऐतिहासिक धरोहर की। दोस्तों शिवाजी राव होलकर ने इंदौर में लाल बाग पैलेस का निर्माण करवाया, यशवंत राव होलकर द्वितीय ने इंदौर में मणिक बाग महल का निर्माण करवाया एवं मल्हार राव होलकर ने इंदौर में राजवाड़ी का निर्माण करवाया था। प्रश्न क्रमांक 44, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची आवासीय इमारत कौन सी है? ऑप्शन नंबर डी, पिनकेल ड्रीम्स मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची आवासीय इमारत है। अब हम चर्चा करते हैं पिनकेल ड्रीम्स की। दोस्तों मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची आवासीय इमारत पिनकेल ड्रीम्स है, यह इंदौर में स्थित है। इसका निर्माण 2015 में हुआ। इसकी ऊंचाई 63 मीटर अर्थात 206 फीट लगभग है और यह 17 मंजिल ऊंची है। प्रश्न क्रमांक 45, एफिल टावर की एक संगमरमर प्रतिकृति कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह इंदौर के आकाशवाणी परिसर में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 46, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा है। अब हम चर्चा करते हैं छिंदवाड़ा के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों की। दोस्तों छिंदवाड़ा क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। छिंदवाड़ा शहर कुलबहरा और बोरी नदी के किनारे स्थित है। छिंदवाड़ा का प्राचीन नाम था नीलकंठी और छिंदवाड़ा में एग्रो कॉम्प्लेक्स व मसाला पार्क स्थापित है। दोस्तों छिंदवाड़ा में स्याही बनाने का सरकारी कारखाना भी स्थित है। हिंदुस्तान यूनिलीवर और रेमंड फैक्ट्री भी छिंदवाड़ा में ही स्थित है। दोस्तों राज्य का मानव विकास संस्थान छिंदवाड़ा में स्थित है। बादल भुई आदिवासी संग्रहालय भी छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 47, कुकड़ी खापा, तुलतुला मंदिर, लिलहारी जलप्रपात, राधा देवी गुफा देवगढ़ किला, छोटा महादेव झरना, कपूरदा मंदिर, पातालकोट पर्यटन स्थल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित हैं? तो दोस्तों यह सभी पर्यटन स्थल मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में स्थित हैं। अब हम एक बार फिर से देखते हैं छिंदवाड़ा जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों को। तो दोस्तों कुकड़ी खापा, तुलतुला मंदिर, लिलहारी जलप्रपात, राधा देवी गुफा, देवगढ़ किला, छोटा महादेव झरना,
कपूरदा मंदिर पातालकोट पर्यटन स्थल मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। अटेर का किला कहाँ स्थित है? तो दोस्तों अटेर का किला भिंड में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अटेर के किले का निर्माण राजा बदन सह ने करवाया था, भिंड ऋषि के नाम पर इसका नाम भिंड पड़ा। 1948 में मध्य भारत का हिस्सा बना, फिर 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का हिस्सा बना। दोस्तों भिंड का गौद मध्य प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला स्थान है, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। दोस्तों भिंड न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला है, सबसे कम लिंगानुपात भिंड में है जो कि है 837 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। प्रश्न क्रमांक 49, नया महल, गुहद किला, मल्हार राव की छतरी, गौरी सरोवर, कोट देवगिरी मध्य प्रदेश के किस जिले के ऐतिहासिक धरोहर स्थल है? तो दोस्तों यह सभी स्थल भिंड जिले में स्थित हैं। अब हम चर्चा करते हैं भिंड जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में। तो दोस्तों नया महल, गुहद किला, अटेर का किला, मल्हार राव की छतरी, गौरी सरोवर, कोट देवगिरी मध्य प्रदेश के भिंड जिले में ऐतिहासिक धरोहर स्थल हैं। प्रश्न क्रमांक 50, मालनपुर औद्योगिक केंद्र किस जिले में स्थित है? तो मालनपुर औद्योगिक केंद्र भिंड जिले में स्थित है। दोस्तों मालनपुर भिंड जिले का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है, जिसे राज्य का सूखा बंदरगाह भी कहा जाता है। मालनपुर में इजराइल के सहयोग से लघु शस्त्र निर्माण इकाई स्थापित की गई है। प्रश्न क्रमांक 51, रानी रूपमती की समाधि किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों रानी रूपमती की समाधि राजगढ़, ऑप्शन नंबर सी में स्थित है। अब हम चर्चा करते हैं राजगढ़ के बारे में। तो दोस्तों रानी रूपमती और बाज बहादुर की समाधि राजगढ़ जिले के सारंगपुर में स्थित है। दोस्तों राजगढ़ की स्थापना 1766 में जोधपुर रियासत के राजा गजसह ने की थी। राजगढ़ का पुराना नाम झनझनीपुर था। राजगढ़ नेवज नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों राजगढ़ जिले के ब्यावरा में राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस चैप्टर के बाकी एमसीक्यू को हम अगले 2 भागों में कंप्लीट करेंगे। यदि आपको हमारे द्वारा बनाए जाने वाले वीडियोस से आपके एग्जाम की तैयारी में लाभ प्राप्त होता है तो दोस्तों अधिक से अधिक संख्या में आप हमारे वीडियोस को लाइक करें एवं शेयर जरूर करिए आप हमारी वीडियोस को ऐसे विद्यार्थियों तक जिनको हमारे वीडियोस से लाभ पहुंच सकता है। हमारा उद्देश्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने इन वीडियोस को पहुंचाएं ताकि वह अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करें। तो यह आपके सपोर्ट के बिना संभव नहीं हो पाएगा, तो कृपया अधिक से अधिक संख्या में हमारे वीडियोस को आप दूसरे लोगों तक शेयर करें। आप स्वयं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों से भी करवाएं, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले समय में जितने भी वीडियोस हम अपने चैनल पर अपलोड करते हैं उनके नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो जाएं। दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने आपके लिए अपने टेलीग्राम एवं इंस्टाग्राम की लिंक प्रोवाइड की हुई है। आप इनसे ज्वाइन होकर हमारी इन सुविधाओं का लाभ भी ले सकते हैं। दोस्तों हम अपने टेलीग्राम पर समय समय पर आपके एग्जाम से संबंधित पाठ्य सामग्री, करंट अफेयर न्यूज़, साथ ही साथ एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स भी डालते हैं। आने वाले समय में हम एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज भी अपने टेलीग्राम चैनल पर शुरू करने वाले हैं, तो कृपया आप इनसे जरूर जुड़ जाएं और हमारी इन सुविधाओं का लाभ भी लें। तो दोस्तों बने रहें हमारे साथ, लगातार सीखते रहें, तब तक ना रुकें जब तक कि आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। जय हिंद।